ठीक है, आज यहाँ देखेंगे अपन क्लास 12th का चैप्टर 5 और उसी की प्रश्नावली 5E और उसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वाई बराबर क्या लिख देते हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का क्यूब, है ना, एक्स प्लस 5 का एक्स प्लस 5 की पावर 4, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या लेंगे अपन, लॉग लेंगे, है ना, तो लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ भी हो जाएगा लॉग वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा लॉग, और ब्रैकेट के अंदर क्या कर दूंगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 इसका क्यूब, और एक्स प्लस 5 की पावर 4, है ना, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आप सभी को पता है ये इनटू में है ना सभी, तो लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस एन, एन की प्लस लगा दूंगा सभी के बीच में, तो लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर लॉग एक्स प्लस 4 का क्यूब, फिर प्लस, फिर लॉग एक्स प्लस 5 की पावर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, अपन सभी जानते ही हैं कि पावर आगे आ जाती है ना, पावर कौन है, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर मतलब 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, है ना, 2 लॉग एक्स प्लस 3, है ना, फिर प्लस कौन है, पावर 3 आगे आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 4, है ना, फिर प्लस, फिर पावर कौन है, 4 है तो 4 लॉग एक्स प्लस 5, पता होना चाहिए सभी को फॉर्मूला जो होता है भाई, ये लॉग एम की पावर एन बराबर लॉग एम एन, लॉग एम सॉरी एन लॉग एम, है ना, ध्यान होना, याद होना ज़रूरी है सभी को। आगे देखते अपन, ध्यान देना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका ना, लॉग वाई का क्या होता है, वन अपॉन वाई, अच्छा वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा, है ना, टू ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं, लॉग लॉग एक्स प्लस 3 का क्या होता है, वन अपॉन एक्स प्लस 3, है ना। ठीक है, अभी ये नहीं रुकना, टू बाहर था लॉग एक्स से क्या, तो लॉग एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इस एक्स प्लस 3 का भी तो होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे, मैं ना मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ सभी को, पहले मैंने 2 को बाहर रख दिया, लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे चलते, इस एक्स प्लस 3 का क्या होता है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना, अब इसके एंगल का, इसका एंगल क्या है, एक्स है, एक्स प्लस 3 है तो 3 का तो हो जाएगा 0, और एक्स क्या होगा, एक्स का हो जाएगा 1, तो कोई मतलब नहीं लिखने से, 1 ऐसे कैसे, है ना। आगे चलते, 3 ऐसे कैसे, अच्छा लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, लेकिन एक्स जगह क्या है, एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 4 लिख दिया मैंने, फिर किसका करना है, इसके एंगल का, एंगल क्या है, एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 0, तो यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, 4 ऐसे कैसे, लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या, एक्स प्लस 5 पे, ऐसे कैसे, एक्स प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब आगे देखना है यहाँ पे, वन अपॉन वाई ऐसे कैसे, डी वाई डी एक्स चलने तो चल रहा है, अब देखना 2 का गुणा 1 में क्या, 2 एक कम 2, कोई मतलब नहीं, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 रहेगा, है ना, फिर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 रहेगा यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट एक्स प्लस 4 कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर प्लस 4 अपॉन क्या रहेगा, एक्स प्लस 5 रहेगा, है ना, ये बात सभी को पता होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे करना क्या है, वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स चल ही रहा है, चलने दो, अच्छा इन सबका एलसीएम ले लेंगे अपन, तो इन सबका एलसीएम क्या जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, आप सबको एलसीएम आते होगा, इसका भाग इस पूरे में दे दो, क्या बचा, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, भाई एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे, और दोनों बचेंगे जो बचता है उसको गुणा ऊपर वाली संख्या में करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, ठीक है, फिर प्लस 3 क्या बचेगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5, एलसीएम लेना सभी को आता होगा, है ना, प्लस 4 यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, ठीक है, वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स चल ही रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये टू बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का एक्सएम क्या, एक्स स्क्वायर, इसी एक्स का 5 में क्या, 5x प्लस 4 का एक्सएम क्या, 4x, और इस 4 का 5 में क्या कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, तो कुल मिला के यहाँ 5x एंड 4x कितना हो जाएगा, 9x, तो 9x प्लस 20 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, एक स्टेप कम हो जाएगी अपने, ठीक है, प्लस 3 बाहर चल रहा है, चलने दो। अब ध्यान ना, इस x का एक्सएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी 5 का 5 में क्या, तो इसी x का 5 में क्या, तो 5x हो जाएगा, इसी प्रकार 3 का एक्सएम क्या, 3x हो जाएगा, तीनों पाँचों 15, तो 5 3 8x प्लस 15,
आठ एक्स प्लस 15 हो जाएगा, है ना, पी प्लस 4 इज इक्वल टू, एक स्टेप कम कर दिया मैंने, ठीक है, एक मिनट ध्यान देना इधर, फिर आइएगा करना, ध्यान देना इधर, x का एक्सम क्या एक्स स्क्वायर, इसी x का फोर में क्या 4x प्लस, 3 का एक्सम क्या 3x और 4 12, तो 7x प्लस 12 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, नीचे वाली पूरी प्रोसेस मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, एक मिनट में नीचे करता हूँ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है ना, अभी तो बहुत जगह है, ध्यान देना इधर, आगे चलते हैं, 1/y ऐसे कैसे डी वाई डी एक्स चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 9 × 2 = 18x प्लस कितना हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 8 × 3 = 24x प्लस 15 × 3 = 45 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x नहीं 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 ये हो जाएगा 7 × 6 = 28x यहाँ पे 40 है, ठीक है, इन सब का पूर्ण क्या है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो इधर पार्ट बना देता हूँ, 1/y डी ये 1/y है, ठीक है, 1/y डी वाई डी एक्स है ना, ये वाला पार्ट लिखा मैंने, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ दो यहाँ पे, तो 4 × 3 = 7 4 × 3 = 7 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाले टर्म को जोड़ दो आप लोग, एक्स वाली 18x और 24x कितना हो जाएगा 18 × 24 = 42 है ना, 42 × 28 कितना हो जाएगा 70x, ठीक है, आगे जाते हैं, ध्यान देना 40 और 45 85 में कितना जोड़ देंगे 48 जोड़ देंगे, तो 85 में 48 जोड़ देंगे तो 3 × 13 = 8 × 5 = 13 133 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 133, अच्छा इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में क्या चल रहा है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे कि डी वाई डी एक्स को ये रख लेंगे अपन, अच्छा ये जो अपॉन का वाई इधर काय में चला जाएगा इंटू में चला जाएगा, है ना, ब्रेकेट के अंदर क्या चल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 है ना, और एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, ठीक है, ये बचेगा ना, आगे क्या करना है अपने को, डी वाई डी एक्स, अच्छा वाई क्या है मेरे पास, वाई जो है पूरा है ये, है ना, क्या है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर एक्स प्लस 4 का क्यूब फिर एक्स प्लस 5 की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5, ठीक है, आगे ध्यान देना यहाँ पे, इधर थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप सभी को, अच्छा यहाँ कितनी देखो इस एक्स इससे चला जाएगा है ना, अपन यहाँ कितनी बार एक्स प्लस 3 है, इसकी पावर कितनी है 2, तो एक बार बचेगा ना, एक्स प्लस 3 एक बार बच जाएगा यहाँ पे, अच्छा एक्स 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 प्लस 4 कितनी बार 3 बार है, लेकिन एक बार कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस 4 की पावर 2, ठीक है, इसकी पावर 2 बच जाएगी, अब यहाँ देखो एक बार कैंसिल हो जाए क्या बचेगा एक्स प्लस 5 की पावर 3, ठीक है, इसकी होल पावर 3 मतलब, ठीक है, मैंने बोलने में कुछ कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, थोड़ा ध्यान देना आप सभी, ठीक है, आगे क्या चल रहा है यहाँ पे, पीछे क्या चल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ठीक है, आपका आंसर यही होना चाहिए, एक बार मैच कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है ना, आप लोग देख लेना इसको एक बार और, आंसर तो यही है, ठीक है, ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे अपन y के बराबर में ले लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इसकी पावर x है ना, फिर x 1 + 1/x ऐसा कुछ, काफ़ी बड़ा सवाल है, ठीक है, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर लेट मानना पड़ेगा है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन लेना पड़ेंगे आपको, उन दोनों को सोल्व करके फिर यहाँ रखना पड़ेगा है ना, तो मान लेते हैं सबसे पहले u u बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इसकी पावर x एंड एक v ले लेते हैं, v क्या हो जाएगा x
और इसकी पावर 1 + 1/x, ठीक है ना। अब आपने जो माना यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, वाई बराबर यू प्लस वी। भैया आपने u के बराबर में क्या लिया, इसको क्या मान लिया, पूरे को u मान लिया, और इस पूरे को क्या मान लिया, आपने v मान लिया है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा dy dx x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, du dx प्लस dv और dx, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। आज बहुत गर्मी है वैसे, ध्यान देना इधर, करना क्या है, सबसे पहले अपन ने किया क्या है, यहाँ पे किसको माना था, u बराबर x प्लस 1/x इसकी पावर x मानी थी, है ना। अब ध्यान देना, दोनों पक्षों में लोग लेंगे तो लोग लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा लोग u बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लोग x प्लस 1/x इसकी पावर x, ठीक है। आगे सभी को पता है क्या करना है, पावर आगे आ जाती है, पावर कौन है, x x आगे आ जाएगा, बाकी पूरी चीज़ें ऐसी कैसे लिख दो आप लोग यहाँ पर, है ना। आगे क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देना आप, है ना। तो वन अप लॉग यू का हो जाएगा 1/u और यू का हो जाएगा डी यू डी एक्स। पहले इस लॉग का क्या, लॉग का होता है 1/x होता है ना, जैसे मान लो आपने देखा होगा लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, जो थीटा यहाँ लेता हूँ यहाँ लिख दो, तो यहाँ क्या था मेरे पास, यू था तो मैंने यू लिख दिया, लेकिन इस यू का भी होगा तो यू का क्या हो जाएगा डी यू डी एक्स, है ना। दोनों फंक्शन है, फर्स्ट है जगह से ध्यान देना, लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये एक्स क्या था आपके, ये था, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने, ठीक है। अभी यहीं रुकना है, अभी आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है ना, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का करना था, लॉग एक्स क्या 1/x, एक्स क्या था आपके पास, पूरी ये चीज़ थी ये लिख दी मैंने, अभी यहीं रुकना, अभी अपने को क्या करना है, इसके एंगल का करना है, इसका एंगल क्या है एक्स प्लस 1/x है, ठीक है। आगे जाते हैं अपन, आगे देखेंगे ना यहाँ पे तो प्लस ये ऐसा कैसे, एक पार्टीशन बना देते हैं अपन ताकि दिक्कत नहीं आएगी, उधर हो जाएगा, ध्यान देना इधर। अब क्या करना अपने को, किसका किया था आप लोगों ने, पहले फर्स्ट को ऐसा कैसे रखा था, सेकंड के सेकंड का किया था, है ना। अब सेकंड ऐसा कैसे रहेगा, सेकंड कौन, ये वाला लोग एक्स प्लस 1/x और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। आगे जाते हैं 1/u डी यू डी एक्स, ऐसा कैसे, ये यू है सॉरी, बार बार वाई लिखा जाता है, एक्स ऐसे कैसे, अच्छा एक काम करें क्या, एक्स इंटू उसका आंसर कैसे दे रखा है, एक मिनट सुनो इधर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/ में एक्स, है ना। फिर अब देखना है यहाँ पे क्या करना है, इस एक्स का हो जाएगा 1/x क्या होता है पता है, -1/x2, पता है कैसे, मैं दिखाता हूँ कैसे, ये 1/x था, इसको इसकी पावर 1 है तो ये इन्वर्स हो जाएगा। अब सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन तो पावर आ जाती है, पावर कौन, -1 मतलब लिखो मत, -x और इसमें 1 एक कम हो जाता है तो -2, तो ये क्या हो जाएगा -1/x2, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, और इसको हाथ इन लगाना है, लोग एक्स प्लस 1/x, एक मिनट नीचे कितना बस रहा देखता हूँ मैं, फिर लिखता हूँ, ठीक है। हे भगवान इतना बड़ा सवाल है, अब ध्यान देना इधर, करना क्या है, डी यू डी एक्स चल ही रहा है, चलने दो, हाथ इन लगाना है, 1/u भी चल रहा है इधर, अच्छा ये देखना ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे भाई देखो ये अपॉन सेट की उलट जाएगी तो यहाँ एक से ऊपर हो जाएगा तो एक से एक 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 से ऑलरेडी ऊपर है ही सही तो एक्स का एक्सएम करेंगे एक्स स्क्वायर नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी अपन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x2 पीछे प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x अब देखना यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया है ना अब ध्यान देना यहाँ पे बचा क्या 1/ चश्मे में बहुत पसीना भरा रहा है मेरा आज ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यू डी एक्स ऐसे कैसे बराबर ये इधर चला जाएगा गुणे में तो ऊपर क्या बच रहा था ऑलरेडी यहाँ देखना इस जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पीछे प्लस लोग एक्स प्लस 1/x ठीक है आगे ध्यान देना डी यू डी एक्स ऐसे कैसे यू क्या है यू
यू आपने ये माना हुआ, ये लिख देते हैं यहाँ पे, तो x प्लस वन अपॉन x इसकी पावर x, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस लोग x प्लस वन अपॉन x, ठीक है। आपका du dx से क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अभी आपने ये du dx का मान निकाल दिया, इसको इक्वेशन अपन सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे अभी एक और चीज़ बाकी है, कौन बाकी, ये बाकी है ना, तो इसका भी करते हैं। अब देखना v बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, x इसकी पावर 1 प्लस वन अपॉन x दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे दोनों पक्षों में लोग लेंगे, तो लोग v बराबर लोग x इसकी पावर 1 अपॉन वन प्लस एक्स, लोग v का 1 अपॉन v, v का हो जाएगा dv dx, पता होना चाहिए सभी को। अभी सॉरी अभी पावर को आगे लाना पड़ेगा ना, पावर क्या थी, वन प्लस वन अपॉन एक्स था, और पीछे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, है ना। अब कर देंगे तो लॉग वी का हो जाएगा वन अपॉन वी, और वी का होगा डी वी डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखना यहाँ क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लेगा, है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड लेगा, ध्यान देना है। फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का डी वाई डी एक्स, सेकंड कौन, ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर सेकंड ऐसे कैसे, सेकंड कौन, लॉग एक्स, फिर किसका डी वाई डी एक्स। एक काम करते रुको, देखो फर्स्ट ऐसे कैसे, किसका डी वाई डी एक्स, लॉग एक्स, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ये लॉग एक्स ऐसे कैसे, फिर किसका डी वाई डी एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स का, है ना। अब ध्यान देना डी वी डी एक्स, इसके हाथ इन लगाना अभी, ठीक है। वन प्लस वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स चल ही रहा, अच्छा देखना वन का तो हो जाएगा जीरो, और वन अपॉन एक्स क्या होता पता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे जाते हैं वन अपॉन वी डी वी डी एक्स, अब देखना यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, है ना, मल्टीप्लाई में वन अपॉन एक्स, प्लस चल ही रहा पीछे लॉग, एक काम करें क्या, ऐसा कर दें माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखना बचा क्या, वन अपॉन वी डी वी डी एक्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, पीछे माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना तो स्क्रीनशॉट लो आप सभी, फिर आगे करते हैं इसको। ठीक है ना, कहाँ छोड़ा था अपन ने, यहाँ छोड़ा था, है ना। तो वन अपॉन वी चल ही रहा और डी डी वी डी एक्स से भी चल रहा था, है ना। अब ध्यान देना यहाँ से अपन एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। क्या बचेगा ऊपर, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स, ठीक है। एक मिनट, ओके, दिख रहा होगा सभी को ये डी वी डी एक्स, ठीक है। एक मिनट, इसमें इंक डाल ही लेते हैं अपन, इसको भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ध्यान देना इधर, तो अपन क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना, आपने एलसीएम ले लिया, अब क्या करना है, डी वी डी एक्स ऐसा कैसे, ये वी इधर इंटू में चला जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी वी डी एक्स ऐसे कैसे, भाई वी क्या माना था आपने, वी माना था ये पूरा, क्या माना था, एक्स इसकी पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर एक से हम जानते हैं हमने क्या निकाला था, डी वाई डी एक्स बराबर क्या निकाला, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, कुछ इस टाइप की थी अपनी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब ध्यान देना करना है क्या यहाँ पे, डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो एक काम करो, डी यू डी एक्स का मान क्या आया था आपके पास समीकरण नंबर दो में, देखो ये पूरा आया, तो पूरा टीप के लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लस डी वी डी एक्स का मान क्या था, डी वी डी एक्स का मान ये है ना, समीकरण नंबर तीन का, एक्स अपॉन वन वन प्लस वन अपॉन एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स
अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, काफी छोटा सवाल था ये, बहुत इजी है। ठीक है, खैर उम्मीद करता हूँ सभी को आ गया होगा। ठीक है, पसीना बहा रहा हूँ मैं, एक बार और डबल आप लोग रिपीट देख सकते हैं उसको। ठीक है, पीछे आ जाएगा, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार तो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,